पे पहुंच गए हैं, इसके बाद सीधे खाइए, अगर गिरे तो कहे। एंजॉय करते हैं अभी मेंदू वड़ा। चल फाइनली अभी जो है नाश्ता हो गया और यहाँ पे शेयरिंग के लिए ये कार मिलती है, सो ये कार यूज़ करके जा सकते हैं। आगे बैठे हैं, दो लोग आ जाएंगे आगे। अरे बाप रे, बढ़िया, आ जाओ। आओ आओ, कम 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 कम, पैर उधर ले ले, एक प्लेट डालो। हाँ डालो, ये बड़ा मुश्किल है। फाइन, डाल रहे नीचे। मैं तो स्टीयरिंग पे पहुंच गया था। चलाओ तुम ही ले चलो। Finally, we are in MATHERAN. Now we are tracking up to the MATHERAN. This is in my vlog, na? Yeah. Why the fuck I am saying? We will tell you. Okay. इतना slow नहीं बोलने का. Bro, I'm stoned. You're not stoned. अभी हम लोग पहुंच गए हैं MATHERAN और यहाँ पे जो है चढ़ाई शुरू कर दी है. नियर अबाउट यहाँ से 7 किलोमीटर नहीं 2.5 किलोमीटर अभी ऊपर जाना है हम लोगों को और 700 मीटर हम लोग आ चुके हैं ऊपर. सो यहाँ पे आपको मिल जाएगा घोड़ा गाड़ी जिससे आप आ सकते हैं और हाथ गाड़ी भी मिल जाएगी जिसको लेके आप ऊपर तक जा सकते हैं. बट अभी हम लोगों ने डिसीज़न लिया है कि पैदल जाएंगे और नीचे से आपको नीरल पहुँच के शेयरिंग में कैब मिल जाएंगी तो उसको लेकर आप आ सकते हैं जिसका फेयर है 80 रुपीज़ पर पर्सन. तो वहाँ से ट्रेन भी है साथ में, उसका भी टिकट आई थिंक 40 या 50 रुपीज़ है. तो दोनों ऑप्शन आपको मिलते हैं. बट स्टॉप योर बुलशिट फकिंग शो देम ना. ओके, बाजार पेट गारबट पॉइंट मंकी पॉइंट. सो अभी हम चलते हैं मंकी पॉइंट की तरफ. ये सीधे दिखा रहा है तो क्या हम खाई में कूद जाएं? इधर रास्ता है, इधर तो आप देख सकते हैं यार नीचे जाने का सीधे कुछ नहीं है और ये इंडिकेशन दे रहा है उधर जाने का. To see the monkey point. No bro, no. No, 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 wait, 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 wait. No, no. हम monkey point नहीं चलते हैं. I love monkeys. No, no. I know you love monkey. I know. Come, 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 come back, come back. Cool down. अपन लोग घोड़े की जगह ये हायर करते हैं, सस्ते पड़ेंगे थोड़े. अभी जो खच्चर जा रहे थे हमको पता ही नहीं था कि ये सामान ढोने के लिए, वो तो भाई ने बताया है ना. मालिक जो थे अब्बा हमारे, हाँ, घोड़ा चलाते थे. अच्छा, वो यहाँ से यहाँ आदमी को भी ले जाते थे और सामान. अच्छा। अबे साले, सारी दुनिया जानती है टट्टू सामान ढोने के लिए होता है. वेल, अभी पहुंच गए हैं MATHERAN शॉपिंग सेंटर. यहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हैं, छोटी सी स्ट्रीट है, आसपास दुकानें हैं थोड़ी सी शूज़ की और बैग्स वगैरह की, तो ऐसा कुछ है. इधर ऊपर तक आ गए थोड़ा और आगे की जो शॉप्स हैं वो मोस्टली बंद है अभी, तो चलते हैं वापस और आगे चलते हैं. अभी अपनी हालत ऐसी हो गई है कुछ इनके जैसी. टंगे हुए हैं डंडे पे.
ऊपर आने के बाद अगर आपको यहाँ पे स्टे करने का मन करता है एक दो दिन या फिर और भी ज़्यादा, तो आप यहाँ पे कॉटेजेस या रिजॉर्ट अलग अलग चीज़ें अवेलेबल हैं होटल्स, तो वो चीज़ें ले सकते हैं यहाँ पे और आराम से स्टे कर सकते हैं। सुबह सुबह थोड़ा सा ठंडा कपड़ा पहन के आए थे मोटा, और अभी ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो लोग यहाँ पे शॉर्ट्स में आए हैं, शूज़ में आए हैं, क्योंकि उनको आइडिया था और अपने लोगों को आइडिया नहीं था कि इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाएगी। क्या बोलते इतना सारा वर्ड बोला और रिप्लाई में या है ना, अंग्रेजी बोलने वालों के अलग ही लफड़े होते हैं यार। अजब ब्रो, कम हेलो बडी। माधव जी, बट ये अच्छा है, अभी जाके मुझे कुछ अच्छा देखने को मिला। हाँ, इतनी देर से जो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी यहाँ को लेके, अभी जाके मैं थोड़ा सुकून में हुआ हूँ। दिखाऊँ ये, सारे लोग आ गए यहाँ पे, तो हम लोग चलते हैं दूसरे शांति वाली जगह पे जहाँ पे सुकून मिल सके। आइए चलते हैं वापस से। बट ये गेम मुझे देख के मज़ा आ गया, 30 rupees पर गेम। हाँ, रिंग गेम इज़ हेयर एंड बॉलिंग एली इज़ हेयर यहाँ पे, और प्राइजेस क्या हैं वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी गेम दिखाते हैं हम आपको, बॉलिंग एली क्या है। ये है बॉलिंग एली। तो अभी पहाड़ की ऊंचाइयों पर हवा के बीच वादियों में उतरा भाई, उतरा 100-200 ज़्यादा ले ले, उतरा भाई। चलो अभी हम आसमान की ऊंचाइयों से लैंड करते हुए खंडाला की ओर, रास्ता देख लो आप कितना एडवेंचर है। सही, छोटी छोटी सीढ़ियाँ बनी हुई है पत्थरों से। ब्रो यू हैव नो आइडिया, इस दुनिया में फ्री नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। सही लग रहा है, यहाँ से नीचे जा सकते हैं। दवा दवा सा टेस्ट आ रहा है, बचपन में वो बुखार वाली दवा नहीं पिलाई जाती थी वैसा टेस्ट आ रहा है। बट ये बहुत सुकून वाली जगह है सच में। इसके सामने देखो नीचे पहाड़ी, ज़िंदगी के बहुत करीब पहुंच के अभी फिर से इस फालतू की दुनिया में हम लोग वापस जा रहे हैं, और देखते हैं आगे और कौन कौन से पॉइंट्स हैं यहाँ पे, चलते हैं उधर। ज़िंदगी इंसान को उसके सामने दो रास्ते रखती है, एक लेफ्ट में और एक राइट साइड में, तो उनमें से एक चूज़ करना पड़ता है, बट यहाँ पे तीन रास्ते हैं, सो चलते हैं इधर। अभी हम लोग जा रहे हैं अलेक्जेंडर पॉइंट पे, जो कि रिजॉर्ट है यहाँ का। बट अभी ढूंढते ढूंढते थोड़ा टाइम लग गया, क्योंकि योगी जी ने उसका नाम चेंज करके सिकंदर रख दिया। कैसे है वहाँ पे खतरनाक वाला सीन। Why the fuck you are running with exhaust, man?
अभी हम लोग पहुँच गए हैं चौक पॉइंट पर और यहाँ पे दूर दूर तक कोई आदमी नहीं है, ना पीछे ना आगे। आगे एक इंसान है, आप इसे पहचानते होंगे शायद। और इधर आप व्यू देख लो, ऐसा कुछ है। सामने जो लेक दिख रही है वो 2015 में हम लोग आए थे, साथ में एक ट्रिप करी थी लोनावाला की, तो उस साइड से आए थे। वहाँ पे डैम भी है और बैठे थे अच्छे से। अभी वो चीज़ें दिख रही हैं, देख लो ऐसा कुछ है। नी तू पागल होई जाओ, अम्मी पागल होई जाओ। वेल, अभी पहुँच गए वन ट्री हिल पॉइंट, और जैसा कि इसका नाम सुन के लग रहा है कि इस हिल पे एक ट्री होगा, ऐसा ही है बिल्कुल। लेकिन जहाँ पे हम हैं वहाँ पे आपको नहीं मिलेगा ये, आपको जस्ट अपोजिट में देख लीजिए, इधर एक हिल है और उस पर एक छोटा सा झाड़ी टाइप का है जिसको ये लोग ट्री बोलते हैं। नीचे से रास्ता है वहाँ तक जाने का, ऊपर सीढ़ियाँ भी नहीं है प्रॉपर, तो अगर यहाँ से अगर गिरे तो फिल्मों में जैसे ज़िंदा हो जाते हैं वैसा कुछ सीन नहीं होने वाला है। ये बड़ा रिस्की है, इतनी पतली सी रोड आप देख रहे हैं इधर, और ज़रा सा भी पैर फिसला आप नीचे, तो बहुत ही संभाल के यहाँ पे आने का है, वरना सीधे नीचे। कितना डिस्टेंस है, बी केयरफुल। ये हम पहुँच गए पीक पे जिसका इंतज़ार था, ऐसा कुछ चाहिए था। फाइनली हम लोग पहुँच गए बादलों की ऊंचाइयों में। पता नहीं कि आगे रास्ता है या नहीं, हम बस रेलिंग के अलोंग चलते जा रहे हैं, देखते हैं। 3 पॉइंट है, रास्ता तो थोड़ा तो भाई होगा ही, अब इतना बढ़ा बढ़ाया है रेलिंग तो रास्ता मिल रहा है। रास्ता है यहाँ, कुछ है इसके अंदर, कोई जानवर है इसके अंदर। एक काम करना, जल्दी से निकलो यहाँ से, उस पर भाग फटक। वहाँ पे बड़ी ख़तरनाक सी आवाज़ थी, तो हम लोग बाहर आ गए अभी, और ये लेक के साइड रास्ता गया है, देख सकते हैं आप। बट ये भी बहुत ही ज़्यादा स्केरी है। And this bro is tired now, although it's his vlog, but he's tired now. तो फाइनली अभी हम लोग निकल आए हैं बाहर, और बहुत सारे जो है पॉइंट्स छूट गए क्योंकि पैर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है कि अब चला नहीं जा रहा। तो चलते हैं अभी यहाँ से बाहर, और पहले हम लंच करेंगे। हाँ, हालांकि 5 बज चुके हैं। ओके, बट हम लंच करेंगे। सो पहुँच गए अभी रेस्टोरेंट में, और खाते पीते हैं थोड़ा सा। ये बड़ा मेहनत का काम है। वेल गाइस, अभी थोड़ा सा खाना पीना हुआ तो एक बार फिर से मैं रिचार्ज हो गया, और निशांत इधर बैठा है। तो अभी ये रिचार्ज जो है आगे के लिए खर्च करने के लिए बचा के रखना है। 2.5 किलोमीटर अभी नीचे टैक्सी तक वॉक करना है हम लोगों को, और आज का दिन बहुत ही इंजॉयबल रहा, मज़े किए हम लोगों ने। थकान भी तो लगी है पैरों में, बट देखते हैं अभी आगे क्या होता है, बस टैक्सी पकड़ना जाके। सो आप लोग भी आना चाहें यहाँ पे तो घूमने आ सकते हैं, बहुत ही अच्छी जगह है। फैमिली के साथ आइए या किसी के साथ भी आइए। सो उम्मीद करता हूँ यार आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। एंड हाँ, एक शॉर्ट फिल्म थी जो मैंने प्रीवियस ब्लॉग में बताया था उसके बारे में, कि जब आएगी तो मैं आप लोगों को लिंक दे दूँगा, तो वो आ चुकी है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, एक रोज़ नाम था उस शॉर्ट फिल्म का, आप लोग जाके ज़रूर देखिए और कमेंट करके बताइए कैसी है। बाकी ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल गाइस, लव यू इंडिया।